पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ firstbite.tv। मोबाइल टावर में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 2.5 करोड़ रुपए कीमत के उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उपकरण बरामद कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये उपकरण भले ही बाजार में काफी महंगे हों, लेकिन गिरोह के सदस्य कबाड़ी को बेहद ही सस्ते में बेच देते थे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में शहजाद निवासी शाहजहाँपुर मेरठ, मेहताब आशियाना कॉलोनी मेरठ, शोएब सैफी मोमिन नगर लिसाड़ी गेट, जहीर व आजाद आर्य नगर गाजियाबाद शामिल है, जबकि आशु निवासी आर्य नगर गाजियाबाद व इंतजार कबाड़ी निवासी बेहटा थाना लोनी फरार बताए गए हैं। आज SP सिटी विनीत भटनागर व SP क्राइम अनित कुमार ने यह जानकारी दी। देखिए, जनपद मेरठ की सर्विलांस टीम और थाना प्रतापपुर की टीम ने मिलकर कल एक गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त करी है और बहुत सी घटनाएं जो मोबाइल टावर्स पर चोरी की हो रही थी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूबल इक्विपमेंट जाता था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस इक्विपमेंट के चले जाने से संचार में जो है अवरोध पैदा होता था और बहुत गंभीर इसके परिणाम होते थे। तो इनका अनावरण करने में सफलता प्राप्त करी है। 9 घटनाएं इसमें थाना प्रतापपुर की हैं जो जिनका अनावरण हुआ है। इसके अलावा थाना भावनपुर, मेडिकल किठौर और लोनी जनपद गाजियाबाद में भी इन्होंने घटनाएं करी हैं। कई सारा सामान इसमें ऐसा मिला है, कुछ तो जियो के टावर्स जो कि उन्होंने तुरंत ही, अभी हाल की घटनाएं थी और उन्होंने अपना सामान पहचाना, नंबरी सामान था उसको कनेक्ट किया गया है। साथ ही साथ एयरटेल और वोडाफोन के कई टावर्स ऐसे हैं जिनकी चीज़ों का इन्होंने काफ़ी उसका डिसफिगर कर दिया है, तो पूरी तरीके से मिलान नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर प्रमाणित हो गया है कि चोरी का ही सामान है। साथ ही साथ जो लोग चोरी करते थे और फिर उसके बाद में जो कबाड़ी के रूप में जो है छद्म रूप से कार्य कर रहे थे, इन्हीं के गैंग के लोग घटना करते थे और फिर उसके बाद में उसको सस्ते में एक व्यक्ति को बेचते थे और फिर उसके बाद में एक बड़ा कबाड़ी उसको सामान बेचते थे। तो ये पूरा एक नेटवर्क के रूप में, गैंग के रूप में काम करता था। पूरा हमारी पुलिस ने इसका अनावरण किया है। 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये के आसपास मार्केट में इन सामानों की वैल्यू थी जिसको बरामद किया गया। क्या सर, कबाड़ी के ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, तो कबाड़ी तो इसका जो पूरी घटनाक्रम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो ये तो सामान लेकर के आते थे चोरी करके, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले टावर के इस इंस्टॉलेशन में उन्होंने कार्य किया है और उनको इस बात की जानकारी थी कि ये सामान जो है बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, कितनी देर में निकाला जाना चाहिए, कितनी देर में सूचना हो जाती है, पहुँच जाती है सूचना, ये उनको जानकारी थी। तो लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर जो है इस घटना को करते थे और उसके बाद मिला करके एक रेडी मार्केट के रूप में ये कबाड़ी उनको सहयोग देते थे और इन सामानों को फिर आगे बहुत महंगा करके बेचते थे। इनका आपको अंदाज़ा होगा कि इतना सारा सामान बरामद हुआ है, हमारे पास इतना समय नहीं था। हम इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी आबादी न्यायालय से अनुरोध करेंगे ताकि इसमें साक्ष्य का जो है संकलन अच्छी तरीके से हो सके। इनके आबादी के इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, उसके बारे में जानकारी होने के बाद उसको भी विवेचना में लेकर जाएंगे। वही जियो से जुड़े राजेश सिंह ने यह जानकारी दी। मेरा नाम राजेश सिंह, मेरठ में एज ए CMP लीड मैं काम कर रहा हूँ जियो में। तो यहाँ पे जो पुलिस विभाग ने माल बरामद किया है, इसमें जियो का टावर्स का और भारती वोडाफोन के टावर्स का और इससे पहले कुछ टाटा और जेटी का जो सामान टावर्स पे लगता है वो भी सब बरामद किया गया। एक टावर को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, पावर की डिवाइस होती हैं जिसमें पावर प्लांट होता है, वो हमारी AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे उनके मॉड्यूल्स चोरों ने चोरी किए, जो एक मॉड्यूल्स की कीमत होती है 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार का एक मॉड्यूल्स होता है, तो वो बरामद हुए हैं। करीब 35-40 मॉड्यूल्स बरामद हुए हैं यहाँ पे। या एक नेटवर्क को चलाने के लिए मक्स की ज़रूरत होती है, एक टावर से दूसरे टावर पे फाइबर के द्वारा जोड़े जाते हैं। यहाँ पे 3-4 मक्स हैं, मक्स की कीमत जो होती है 15 से 20 लाख रुपए में होती है। ये जो इसकी परचेजिंग कॉस्ट है, क्योंकि अभी तो चोरों ने इसको सबको डैमेज कर दिया है,
परचेजिंग कॉस्ट करीब 2 से 2.5 करोड़ के बीच में बैठेगी। सभी अलग अलग कंपनियों का जो माल है 2 से 2.5 करोड़ के बीच का माल इन्होंने जो कंपनियों की कॉस्टिंग है वो इन्होंने चोरों ने चोरी किया, जिसको पुलिस ने बरामद किया। और बहुत बड़ी उपलब्धता है पुलिस की कि जो ये माल पाए, तो आगे के लिए जो इस तरीके के गुंडा तत्व हैं जो उन पर बहुत बड़ा आघात है कि आगे इस तरीके का कोई भी कार्रवाई करने के बारे में बहुत बार सोचेगा। बहुत बार इससे बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस विभाग के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।